नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जहानाबाद पूरी सुविधा व्यवस्था के साथ दरधा पुल के पास अपोलो केयर क्लिनिक का हुआ शुभारंभ। जहानाबाद डॉक्टर ST अहमद अब मिलेंगे अपोलो केयर क्लिनिक में। मैं डॉक्टर हूँ डकैत नहीं, डॉक्टर ST अहमद। जहानाबाद में अपोलो केयर क्लिनिक का हुआ शुभारंभ। डॉक्टर के हाथों में जादू होता है और डॉक्टर ST अहमद का कुछ ऐसा ही जादू है। यही कारण है कि जहानाबाद में बहुत जल्द लोकप्रिय हो गए और इलाज के लिए भीड़ लग गई। पहले हिंदुस्तान मेडिकल हॉल के पीछे थे, अब पूरी सुविधा पूरी व्यवस्था के साथ दरधा पुल के समीप अपोलो केयर क्लिनिक में अपना समय दे रहे हैं, जिसकी विधिवत रूप से डॉक्टर ST अहमद की मां यास्मीन अहमद द्वारा फीता काट कर शुभारंभ किया गया। मालूम हो कि डॉक्टर ST अहमद शानदार फिजिशियन एवं बच्चों के बेहतरीन डॉक्टर हैं। व्यवहार इतना कुशल है कि मरीज भी मुरीद हो जाते हैं। अब दरधा पुल के पास अपोलो केयर क्लिनिक में डॉक्टर ST अहमद मिलेंगे, जहां मरीजों को ध्यान में रखकर शानदार व्यवस्था की गई है, जिसका विधिवत शुभारंभ हो गया है। इस मौके पर ST अहमद ने कहा कि मैं डॉक्टर हूं डकैत नहीं, बहुत कम जाँच में लिखता हूँ और बहुत कम इंजेक्शन लगवाता हूँ। मरीज की हर बात का ख्याल रखना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ और यही कारण है कि मेरे हाथों में शिफा है और सैकड़ों मरीज रोजाना मैं देखता हूँ और सभी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। मालूम कि डॉक्टर ST अहमद ने अपने पिता स्वर्गीय सैयद वसीम अहमद की याद में अपोलो केयर क्लिनिक का शुभारंभ किया है। इस मौके पर जदयू नेता मुखिया मेहराज अहमद उर्फ शुड्डू मून अहमद, सरफराज अहमद सहित अन्य लोग मौजूद थे। यह ये अपोलो केयर क्लिनिक है और मैं डॉक्टर सैयद तौसीफ अहमद ST अहमद के नाम से यहाँ पर जाना जाता हूँ और ये हमारी वाइफ हुई डॉक्टर सुम्बुल काजमी। ये पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इमरजेंसी की हेड हैं और हम ये इनिशिएटिव लेके आए हैं जहानाबाद में। पिछले 6 साल से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान मेडिकल हॉल के जस्ट बगल में ही बैठा 6 साल और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट रहा उन लोगों के साथ भी। और जैसा कि हमारे बगल में सहयोगी हमारे मनीष जी हैं, तो बगल में इनका आदर्श जांच घर है, काफ़ी सहयोग किया इन्होंने, हम लोगों ने मिलके बड़ा अच्छा सेवा दिया। अब जब बात ये रहती है कि एक इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट लोगों को दे, एक सही सुविधा दें, तो हम चाहते हैं कि लोग इधर उधर भटके नहीं, एक ही छत के नीचे सब कुछ अगर मुहैया हो जाए तो पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि पेशेंट पहले से ही थका हारा आता है, बीमार होता है, तो उसको एक ऐसे कंडीशंस में एक ऐसे इन्वायरमेंट मिलना चाहिए कि जहाँ पे उसके लिए फ्रूटफुल एरिया हो, हाइजीनिक प्लेस हो और एक ही जगह पे सब कुछ हो। तो हमने यहाँ पर अपना जो है स्टार्ट किया है, यहाँ पर आपकी सुविधा है 24/7 मेडिसिन की। किस तरह के मरीजों का यहाँ पर IPD नहीं होगा, OPD पेशेंट्स का है। IPD पेशेंट अगर कोई बहुत ही सीरियस है वगैरह तो उसको अभी हम देखेंगे बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर का सबसे पहला फ़र्ज़ है कि पहले उसको देखे और उस हिसाब से तय करें कि इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या ये हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है या फिर इसको। तो OPD सेवा यहाँ पर है और यहाँ पर साथ में मेडिकल शॉप है जिस पर हमने डिस्काउंट्स भी रखे हैं, सारे अच्छे डिस्काउंट्स। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर हमने पैथो भी खोल रखा है, अपना पैथो है, हमने फ्रेंचाइजी भी लिया हुआ है, जैसे कि जनरल डायग्नोस्टिक है और लाल पैथ का हमारे साथ हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं मनीष जी, तो लाल पैथ का भी यहाँ सेंटर है तो इनके पास। और हमारा जो अपोलो केयर की मशीन, हमने सारी ऑटोमेटिक मशीन्स डाली है, 30 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स में ऑटोमेटिकली सारा पेशेंट्स का जो है वेट नहीं करना पड़े घंटों घंटों, तो उनको जो है हाफ एन आवर में रिपोर्ट्स उनके पास रहेगी, तो जल्दी सुविधा उपलब्ध होगी, जल्दी बीमारी के खोज होगा और उनका ट्रीटमेंट होगा। प्लस सेंट्रली AC है, हमने मेंटेन किया है, सारे चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर है जो वहाँ पर नहीं थी, दिक्कत हो रही थी लोगों को, पेशेंट्स को, और सेंट्रली AC हमने किया है, ये पानी की व्यवस्था है, तो एवरीथिंग इज़ देयर। ECG है हमारे पास, तो हमने पैथ, ECG, मेडिसिन शॉप, तो हमने सब एक ही जगह पे रखा है। इतना दिनों से जहानाबाद के लोगों से क्या फीडबैक मिला और आगे क्या कहेंगे लोग? जहानाबाद से हमको बहुत अच्छा फीडबैक मिला। मैं बड़ा डरा सहमा था जब मैं पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से अपनी पीडियाट्रिक्स का कोर्स किया और यहाँ पर मैं आया था और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपनी जर्नी 6 साल पहले और बहुत ही अच्छा जर्नी रहा, बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला पेशेंट्स की तरफ से। कहते हैं कि डॉक्टर का जो होता है, हम लोग तो ईमानदारी से देखते हैं लेकिन एक हाथ में शफा की बात होती है तो वो अपनी पूरी ईमानदारी से जो इंसान करता है तो उसके हाथ में ऊपर वाले वो शफा देते हैं। तो हमने पूरी ईमानदारी से यहाँ पर देखा है, कम से कम जाँच,
कम से कम दवाइयाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि मैंने एक जगह खोली है जहाँ पे पैथो खोला है तो हर मरीज को मैं लिखूँ, नहीं तो फिर फ़ायदा क्या। तो हम जानाबाद के पूरे इसको चेंज करना चाहते हैं, जो लोग हर चीज़ डिपेंडेंट होते हैं कि पूरी तरीके से कि वो पैथोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो बहुत ये करने के लिए मैंने नहीं रखा है। सिर्फ मैंने इसलिए रखा है कि जिनको ज़रूरत है मैं उन्हीं को जांच लिखता हूं। तो मैं इसी चीज़ों से जाना गया हूं यहां पर, क्योंकि पिछले 6 साल से जो मैंने काम किया कि मैं देखता था पेशेंट्स को आते हुए, और पेशेंट जनरली इंजेक्टेबल हर जगह गए तो बस आप सुई सुई, तो ये मैंने चेंज कर दिया है। मैंने अपने पूरे 6 साल के अंदर लगता है मैंने 50 मरीज़ को भी सुई नहीं लिखा होगा। तो ये मेरा अचीवमेंट है, जो मैं ये बात कहता हूँ कि बच्चों को जितनी कम दवा और जितनी ओरल एंटीबायोटिक्स से दूर रखें, इंजेक्टेबल तो बहुत दूर की बात है। हम ओरल एंटीबायोटिक्स में ही हमने बहुत सारे ऐसे ऐसे केसेस ठीक किया है जो कि यहाँ के बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, लोग रेफ़र कर देते हैं कि इनका CRP 200 है, काफ़ी WBC काउंट है, लेकिन मैंने उसको ओरल एंटीबायोटिक्स पे ही ठीक किया है। तो ये मेरा अचीवमेंट है जिसके वजह से लोगों को भरोसा हुआ मुझ पर, और बहुत ही आज मैं 100 पेशेंट्स माशाल्लाह देखता हूँ। तो ये यही फीडबैक है, और मैं इसको चाहूँगा मैं फर्दर ले जाऊँ और अच्छा यहाँ पर इलाज का एक छत के नीचे मैं दूँ, लोगों को ऐसा नहीं लगे कि जैसे दो तरीके की चीज़ होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए एक डॉक्टर होता है, एक डकैत होता है। तो आपको डकैत से भेंट हो गया, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ईमानदारी से पेश होऊंगा और मैं गलत नहीं करूंगा कभी किसी के साथ। इसी के साथ मैं यहां पर फिर से शुरू कर रहा हूं अपना, ये मेरे फादर का सपना था, हम दोनों का सपना था कि हम लोग कुछ बेटर करें ज़िंदगी में। और डेफिनेटली एक समाज सेवा चीज़ है हम लोग के पास कि एक डॉक्टर एक समाज सेवक होता है, तो हम लोग वो काम करें, सब लोग को अच्छा मुहैया दे, कम से कम रेट पर, कम से कम पैकेज पे हमने रखा है। पूरा होल बॉडी पैकेज भी आपको 899-1000 के अंदर आपका सब कुछ, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बहुत बड़ा है लैब्स तो 1500-1550-1850 में करते, हमने 899 हमने वो ऑलमोस्ट तय कर लिया है कि लगभग 799-899 का पैकेज रहेगा। बहुत जो पूरा फुल बॉडी, चाहे उनका CBC, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड, HbA1c, अपना डायबिटीज़ का वो 3 महीने का वो निकाल सकते हैं हम लोग एवरेज की क्या डायबिटीज़ कितना है, इसका कंट्रोल है कि नहीं उस दवा पर, ये सारी चीज़ हम एक पैकेज में देंगे और बहुत सस्ते में देंगे। तो हम आप लोग से उम्मीद है कि इसको दूर दूर तक बात फैलाएं, और इंशाल्लाह जो आए उन लोगों को हम फ़ायदा पहुंचाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया।